तो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं कोहिमा की ओर। ये देखिए कोहिमा से दिमापुर से कोहिमा का जो डिस्टेंस है वो है कितना है टावर? 75 किलोमीटर का। और थोड़ा जो कोहिमा है वो थोड़ा पहाड़ में है, तो वैसे सुना है कि वहाँ पे थोड़ा ठंड है। दिमापुर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे तो अभी भी समर है, तो कोहिमा में सुना है कि ठंड है। तो कोहिमा में हम ऑल सेट टू गो, और हम ठहरेंगे मिस्टर जमीर व्लॉग्स के घर में, जो कि बहुत ही फेमस यूट्यूबर है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, और स्पेशली पूरे नागालैंड उसे पहचानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, तो उनके पास हम जा रहे हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। तो देखते हैं कि आज का ट्रिप और आज का जो दिन है हमारा कैसा जाता है। हाँ बोलो, क्यों कॉल करते रहते हैं? जिंदा है ना एंथनी? तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं कोहिमा में, और कोहिमा में वेदर काफ़ी अच्छा है, मतलब थोड़ा ठंड सा है तो अच्छा लग रहा है। जब जब मौसम अच्छा होता है तब घूमने का मज़ा कुछ और होता है। नेमस्ट से कि जो कोहिमा है काफ़ी सुंदर है, काफ़ी हद तक मुझे दार्जिलिंग सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में बोमदिला ईटानगर की याद दिला रहा है, तो फैमिलियर ही लग रहा है मुझे तो अभी तक तो जगह। और अभी टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, तो अभी से ये हालत है तो सोचिए विंटर में क्या होगा। और गैस मैं आप लोगों को बताना भूल गया, आप मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा कि कोहिमा नागालैंड का कैपिटल है, और कैपिटल बहुत सुंदर है। इतना अच्छा सराउंडिंग है यार, देखो यार दिस इज कोहिमा। पहले जमीर व्लॉग से मिल लेते हैं। नाइस टू मीट यू। Hey, meet my family. Okay, so this is Jameer's brother. Don't shoot me. Hello, welcome to my humble home. Thank you so much. Okay, मेरा मम्मी जो घर है बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पे काफी अच्छा नज़ारा भी दिखता है यहाँ से। देखिए गाइस इससे सुंदर जगह, इससे सुंदर लोकेशन आपको कहीं मिलेगा क्या? अरे बहुत सुंदर है यार कोहिमा, बहुत सुंदर है। तो हम अपना रूम दिखाएंगे आप लोगों को। Hello brother. Hello. Let me welcome. He's the Jameer Vlogs. Yeah, yeah. This is how we welcome case in Nagaland. Okay. हम तो आज तो हिंदी से बात कर रहे हैं। Okay. ना वो लिंजिंग, one of the famous humble YouTuber from Northeast India. Thank you. So this is from my tribe, our Naga tribe. This is our this. Wow. What a nice one. इसका नाम तंगुर सर। तंगुर मीन्स पारा, हम लोग का नागामिस में ना यार मैं कुछ कुछ डालो। ओके थैंक यू, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। इन सब में ना क्या कर रहे हैं आदमी है, इन सब में तो आदमी है, इन सब में देखो। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है। आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लाइक स्टेइंग इन माय हम्बल होम, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। एक्चुअली आई वाज फीलिंग लिटिल बिट शाय, भी था दिमाग में लेकिन अप्रोच करने के लिए थोड़ा सा वो रहता है, बट आपने इन्होंने खुद अप्रोच किया, इन्होंने खुद अप्रोच किया, सो आई एम वेरी ग्लैड। थैंक यू सो मच, एक्चुअली आई एम सो फॉर्चुनेट। तो टिको यहाँ से एक बार नज़ारा देख लीजिए गाइस, वहाँ पे फील्ड भी है, व्यू व्यू व्यू, नज़ारा मींस व्यू, नज़ारा मींस व्यू। आज तो अरुणाचल का हिंदी भी से बोलेगा ना, अरुणाचल हिंदी से ना 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 अरुणाचल हिंदी। ये बहुत वो है चुसुमा, सुंदर है Chusuma village. Okay, this is Chusuma. Chusuma village. Okay. And we'll go that side tomorrow. Okay. Konoma. Konoma, okay. तो कल कोनोमा किस और जाएंगे? You guys are very lucky. इतना सुंदर जगह में आप लोग बॉन्ड हुए हो.
अरुणाचल भी सुंदर है ना, अरुणाचल भी सुंदर है, पूरा नॉर्थ ईस्ट सुंदर है एक्चुअली, बहुत अच्छे से मिल रहा है, अच्छे से मैच हो रहा है ना एकदम। This one is our traditional curry from Yam Lips, prepared from Yam Lips. We call anishi. This one, it's made with pork. ये इनका नागा का ट्रेडिशनल करी जो कि पोर्क से बनता है। और गैस मुझे इन सब्जियों के नाम तो पता नहीं, चटनियों के नाम तो पता नहीं, दाल और चावल को छोड़ के और ये फिश करी को छोड़ के, लेकिन बहुत दिखने में टेस्टी लग रहा था तो इसने मैंने ले लिया है। और जावेद भाई से फर्स्ट टाइम मिलके बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली मेरा फर्स्ट मीटिंग है उनसे। ही इज़ वेरी वेलकमिंग एंड वेरी हम्बल, तो ऐसे लोगों के साथ जो होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा बन जाता है। तो उम्मीद करें कि आगे जाके जो हमारी दोस्ती है, हमारा जो भाईचारा है, वो और आगे जाए और ज़रूर जाएगा। फर्स्ट टाइम मैंने इतना टेस्टी पोर्क खाया लाइफ में। यह आउट ट्राइब का अनिशी करी है जो कि बनता है पोर्क से और बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है। तो गैस अभी हम इस ब्यूटीफुल विलेज से और ब्यूटीफुल घर से जाएंगे और आसपास के सुंदर सुंदर विलेजेस जैसे कि कोनोमा वगैरह में घूमेंगे। एंड परसों जाएंगे हम जुको वैली की ओर, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मिस्टर जमीर, आज हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग नागा हेरिटेज विलेज किसामा, वेयर वी यूज्ड टू सेलिब्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल। इट्स लाइक 12 किलोमीटर फ्रॉम कोहिमा टाउन। ओके, फाइनली वी हैव रीच नागा हेरिटेज विलेज केसामा और बहुत ही सुंदर है। सो गाइस, दिस विल बी मोर लाइक अ कोलैबोरेशन वीडियो विद माय ब्रदर जमीर, मिस्टर जमीर। तो आज के व्लॉग में भी ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं है क्योंकि अंधेरा हो गया है, बट एपिसोड आता जाएगा। जितना इस व्लॉग में कम देखने को मिलेगा उतना अगले व्लॉग में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आदमी लोग नहीं रहता है लेकिन टूरिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल, ओके, वो लोग क्या चाह डिफरेंट ट्राइब है ना, आएगा यंग मेल अफ्टर दैट, वो लोग का किचन है लाइक। हाँ नहीं, यहाँ पे कचारी नोद्रांग, कचारी मुरुंग, वाओ, अंगमी मुरुंग, अंगमी मुरुंग, वाओ, बहुत अच्छा है ना? यस, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा है। वो तो इतना सारा हॉर्नबिल ऊपर में। तो गाइस, मुझे काफ़ी अच्छे प्लेस में लेके आया गया है, इट्स ब्यूटीफुल। ओके, काफ़ी ट्रेडिशनल है यहाँ पे हर चीज़, आपको पूरा जो नागा का जो ट्रेडिशनल चीज़ें एक्सपीरियंस करना है तो आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हो। या कैमरा में आपको दिख रहा होगा कि नहीं होगा, ऊपर में जो है वो चिड़िया है हॉर्नबिल, जिसका फेस्टिवल पे यहीं पे मनाया जाता है। वाह, पहले में तो ये चावल पीसने का जाए। अंधेरा है ना, लेकिन अंधेरा नहीं, इट्स ओके, दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। ओके, ये पीपल यहाँ पे लोग बैठते हैं ना, वाह। तो क्या यहाँ पे आके ऐसे हैंग आउट करने आ सकते हैं क्या, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या? रेस्ट्रिक्शन तो आई थिंक ड्यूरिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल तो वे यूज्ड टू कम एंड स्टे। ओके, अभी अभी तो मालूम नहीं है, अभी मालूम नहीं है ना, क्योंकि कोई ऐसा वॉचमैन वगैरह भी नहीं दिख रहा है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल में तो जरूर आऊंगा मैं। अच्छा, दिसंबर 1 टू 10
इंटरनेशनल टूरिस्ट पूरा डोमेस्टिक पूरा आता है यहाँ पे. क्या करते हैं? लोक ड्रम. लोक ड्रम. या ये ड्रम है ना. पापी भी है यहाँ पे. ड्यूरिंग ओल्डन डेज ना हाँ वी यूज दिस वन एज लाइक क्या था सिग्नल. एनिमीज आएगा और क्या क्या. इट्स लाइक ओके ओके. जब भी कोई एनिमी आएगा तब हम लोग ऐसा करके वार्निंग वार्निंग दे सकते. वार्निंग या सिग्नल सिग्नल. दिस वन इज किमुंगन ट्राइब. लुक लुक फ्रॉम पी देखो ना पर आए ना. हाँ ये भी वही वाला ड्रम है ना जिससे वार्निंग देते हैं ना. वाओ. व्हिच ट्राइब? किमुंगन. किमुंगन के ट्रेडिशनली भी इन लोगों का घर ऐसे ही बनता है रियल में? या ऐसा होगा. ओके पुराने जमाने में ऐसे ही बनता था ना. ओके इट्स लाइक रेप्लिका ना. ओके या रेप्लिका. लेकिन सब चीज़ तो ओरिजिनल ही है. बहुत बड़ा है ना ये प्लेस. जरूर आना चाहिए. ओ दिस ट्रेडिशनल हाउस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. यू कैन सी द रूफ. इसका रूफ जो क्या का बना है? हाँ ये पत्थर है ना. ओके ये पत्थर है आप जो देख रहे हो ना. पत्थर को कट किया है? पुचूरी का है ना ये ना. पुचूरी ट्राइब. ओके अलग अलग ट्राइब का अलग अलग घर है अलग अलग डिज़ाइन है. और इनका जो डिज़ाइन मुझे इसलिए अच्छा लगा इसलिए यूनिक लगा बिकॉज यहाँ पे ये काइंड ऑफ कह सकते हो कि म्यूजियम भी बोल सकते हो ना. इट्स लाइक हम लोग पहले तो ऐसा बोला था ना. लेकिन आफ्टर क्रिश्चियनिटी वी मेक अभी हाँ बिल्डिंग वगैरह हो गया. बिल्डिंग या लेकिन या दैट्स व्हाई ये ओरिजिनल ट्रेडिशनल वाला तो म्यूजियम भी कह सकते हैं इसको. हेरिटेज है ना. हेरिटेज विलेज. हेरिटेज विलेज. ओके तो और सभी के सभी जितना भी मतलब जो भी बना है एकदम ओरिजिनल वे में बना है. ऐसा नहीं कि बस ये नकली पत्थर ऐसा नहीं. सब का सब ओरिजिनल है. लकड़ी ओरिजिनल है. पत्थर ओरिजिनल है. तो आप यहाँ पे आके ज़रूर विजिट कर सकते हो अगर आपको नागा लोगों के बारे में और ज़्यादा जानना है. अगर उनका जो हिस्ट्री है उसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो वहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं. आप बोर्ड्स को पढ़ के वहाँ से जगह के बारे में नागा ट्राइब के बारे में उनके घर के बारे में और ज़्यादा जान सकते हो. आई एम वेरी थैंकफुल टू जमीर ब्रदर की इतना स्पेशल जगह में लेके आया क्योंकि ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है. और अगर आप लोग को ये जगह विजिट करना है तो हॉर्नबिल फेस्टिवल में आइए. उससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा आप लोग. ये रियल स्टेज गाँव में स्टेज ना. ये हॉर्नबिल फेस्टिवल का ग्राउंड. ओके वाह. कल्चरल डांस क्या क्या तो यहाँ मिलेगा. डांस ना. ट्रेडिशनल ड्रेस ना. कोहिमा टाउन से कितना दूर है ये प्लेस? 10 किलोमीटर. 12. ओके और सेकंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम तो नीचे में है. सेकंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम अभी तो बंद हो गया ना. ये अभी तो बंद है. हॉर्नबिल में ही खुलेगा. हॉर्नबिल में ही खुलता है बस. ओके तो ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम. आज तो रात हो गया. कुछ नहीं आज के लिए काफ़ी था क्योंकि आपसे मिलने को मिला और इतना टेस्टी खाना खिलाया आपको. थैंक यू सो मच. इवन आई एम गोना स्टे इन दिस प्लेस ओनली. तो बहुत थैंक यू फॉर योर काइंडनेस फॉर योर हम्बलनेस. मुझे भी सर्विस करने का मौका दीजिए. आप भी अरुणाचल आइए है ना. हाँ वहाँ पर पहले बहन लोग बैठा हुआ था ना. वहाँ से क्या नज़ारा दिखते देख. लेट्स सी. जाने से पहले आपका कोई गलती नहीं है. अंधेरा हो गया हमारा. हम लोग पहुँचते लेट हो गए. एंथनी एंथनी का गलती भी नहीं बोलेगा. जो पहाड़ों में ना जब टर्न्स बहुत सारे होते हैं ना तो उसमें एंथनी को उल्टी आती है. तो थोड़ा रास्ता में वो उल्टी करके थोड़ा टाइम लग गया था. पर इट्स ओके. अभी तो लेकिन अभी तो यहाँ घुस के तो रिफ्रेश फील कर रहा है ना. हो गया अभी उल्टी नहीं आ रहा ना. गर्लफ्रेंड भी बहुत बार बार कॉल करते हैं. हम तो झगड़ा भी किया था इसका गर्लफ्रेंड से. गाइस प्लीज़ ज़रूर आइए नागालैंड. ज़रूर विजिट कीजिए. ये तो बस ट्रेलर है. अभी पिक्चर अभी बाकी है. अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे. एंड नेक्स्ट वीडियो पूरा मैं नागामिस लैंग्वेज बात कब. আপনি হিন্দি পড়া কব মই নাগামিজ পড়া অলপ অলপ ট্রাই করব. নেক্সট ব্লগ উইল বি ইন্টারেস্টিং হইব. তো গাইস এসে কে সাথে মেরে আজকে ব্লগ খতম হতা হ্যায়. বহুত শর্ট সা ব্লগ থা. প্যারা সা ব্লগ থা. ইতনে প্যারে ইনসান সে মিলা লাইফ মে. তো মুঝে আচ্ছা লাগা. আই এম ভেরি গ্ল্যাড. থ্যাংক ইউ. তো ইনকা চ্যানেল কা লিংক মেনে ডেসক্রিপশন মে দে দিয়া হ্যায়. চ্যানেল কা নাম হ্যায় জমির ব্লগস. থ্যাংক ইউ. তো গাইস আগলে এপিসোড মে হাম দোনো কো আপ ফির সে দেখোগে অর ভি নয়ে নয়ে জগহ এক্সপ্লোর করতে হুয়ে জুকু ভ্যালি ভি জায়েঙ্গে. तो आप लोग इस अपडेटेड रहना. आप लोग देखते रहना. ये एपिसोड और इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये तो बस शुरुआत है. तो थैंक यू सो मच वॉचिंग. बाय बाय. जय हिंद. वंदे मातरम.